क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना हो चुका है या फिर दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस नया है लेकिन दोस्तों आप उसमें अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाह रहे हैं, मोबाइल नंबर ड्रेल से लिंक करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आप घर बैठे अपने इसी मोबाइल फोन से अपने ड्राइविंग लाइसेंस में नया मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब में कोई नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहां पर सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और लिखना है परिवहन। ऐसा लिख देने के बाद दोस्तों एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने यहां पर पहली जो वेबसाइट आएगी परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहां पर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलेगा। अब दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सबसे नीचे आएंगे यहां पर लिख रहा होगा ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस, आपको यहां पर दिख रहा होगा ड्राइविंग लाइसेंस, इसी पर क्लिक करना होगा। चलिए हम यहां पर क्लिक करता हूं। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुलने वाला है। अब दोस्तों यहां पर अपने स्टेट का चुनाव करना होगा। अब यहां पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट स्टेट नेम पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपके बहुत सारे स्टेट दिखेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा उस पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया हूं। अब इस पॉपअप मैसेज को यहां से क्लोज कर देंगे, इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्लोज करने के बाद यहाँ पर आएंगे अदर के ऑप्शन पर, उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा से यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर अपडेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आधार नंबर फिल करने के लिए बोल रहा है, यहां पर आधार नंबर फिल करेंगे, उसके बाद यहां पर ओटीपी फिल करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर आधार नंबर वाले पे क्लिक करता हूं और अपना यहां पर आधार नंबर को फिल करता हूं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से अपना आधार नंबर को फिल कर ले रहा हूँ। तो अब हमने यहाँ पर अपना आधार नंबर को फिल कर लिया है, अब जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे हम जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं सक्सेसफुल हमारा यहाँ पर रजिस्टर्ड जो आपके आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक वन टाइम ओटीपी भेजा जाएगा। तो मेरे केस में ओटीपी भेजा जा चुका है, हम यहाँ पर अपना ओटीपी को नोट करके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ओटीपी लिख लेते हैं। ओटीपी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, सभी पर टिक मार्क लगा देना है, सभी को टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे एंड यहाँ पर ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लोडिंग लेगा और आपके आधार कार्ड में जितनी सारी डिटेल होगी सभी को ये फेच कर लेगा। फेच कर लेने के बाद एक पॉपअप डिस्प्ले पर दिखा देगा। चलिए यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करते हैं और देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे आधार कार्ड का कंप्लीट डिटेल फोटो के साथ पूरा डिटेल यहाँ पर हमारा फेच कर लिया है। अब यहाँ पर हमको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। चलिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहां पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सिलेक्ट क्राइटेरिया का एक ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों यहां पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर तीन ऑप्शन आपको दिखाएंगे, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और यहां पर कंडक्टर लाइसेंस। तो यहां पर आपका जो भी लाइसेंस होगा उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस तो हमने ड्राइविंग लाइसेंस वाली कैटेगरी पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है डीएल नंबर डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस पर नंबर लिखा होता है आपके स्टेट का कोड सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसी प्रकार से अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो नंबर है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है सबमिट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस को फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को फिल कर लिया, यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ पहले से सिलेक्ट है, हम सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ हमको लगता है एरर हो गया है, यहाँ पर ये पेज नहीं बढ़ रहा है। चलिए इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। दोबारा से हम रिफ्रेश करेंगे, अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से एक बार फिर से मिलान कर लेंगे सही है या फिर गलत। यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ सही है, फिर से हम सबमिट करते हैं। फिर से हमने यहाँ पर सबमिट किया तो यहाँ पर अब इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर नाम और आपका यहाँ पर जो मोबाइल नंबर पहले से इस पर रजिस्टर्ड है दोस्तों, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर हमारा दिखाया गया है। अब इस मोबाइल नंबर को जैसे हमें चेंज करना है तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं भी लगा रहेगा तब भी आप यहाँ पर अपना नया मोबाइल नंबर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर आना है तो अपना यहाँ पर जो भी आप नंबर यहाँ पर लगवाना चाह रहे हैं उस नंबर को यहाँ पर फिल कर देंगे।
तो हमने इस नंबर को फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर पर जो नंबर आप अभी ऊपर फिल किए हैं उसको यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। उसके बाद उधर जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा रीजन ऑफ चेंज, तो यहाँ पर रीजन ऑफ चेंज में दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर कोई मायने नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर चेंज, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रीजन में इतना कुछ लिख देने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ये जो नंबर है इस नंबर पर एक वेरिफिकेशन पिन भेजा जाएगा जिसको आप ओटीपी कह लेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसका जो है समय 5 मिनट रहता है, यहाँ पर अगर सर्वर एरर रहेगा तो यहाँ पर कुछ समय लग सकता है, नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पर ओटीपी को फिल करके यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सक्सेसफुल मोबाइल नंबर चेंज होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे केस में वो जो हमारा नंबर लगा हुआ मेरे पास प्रेजेंट टाइम में है, तो मैं यहाँ पर उस नंबर को चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पर सिखाने के लिए बताने के लिए ये वीडियो को बनाया हूँ कि दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर अपने ड्राइविंग लाइसेंस में बदल सकते हैं या फिर नया जोड़ सकते हैं या फिर कह लो कि लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।